दोस्तों आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों के खाते में ₹2,000 की छठी किस्त आने वाली है। दोस्तों ये ₹2,000 की छठी किस्त चरणबद्ध तरीके से आती है। आज कुछ किसानों के खाते में आएगी, कल कुछ किसानों के खाते में आएगी और परसों कुछ किसानों के खाते में आएगी। टोटल मिला के आपके खाते में ₹2,000 की किस्त आने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप चेक करेंगे कि आपके खाते में छठी किस्त का पैसा आया है या अभी तक नहीं आया है। चलिए सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों स्टेटस चेक करना बहुत ही टफ हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। पहले की तरीके से स्टेटस चेक करना आसान नहीं है, तो अगर आप आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए सो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आ चुका हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला लिंक, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट का पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए पहले आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन यहाँ पे किनारे आपको दिखाई देता था, होम पेज का ऑप्शन दिखाई देता था, स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देता था, लेकिन अब आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पूरी वेबसाइट को चेंज कर दिया गया है। तो अब आपको आ जाना है इस स्क्रॉल के नीचे। जैसे आप इस स्क्रॉल के नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड में जो भी गलत हो चुका है वो सही कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिशियली स्टेटस, यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों बेनिफिशियली स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं अब आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है आधार नंबर से आप चेक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल लीजिए, अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल लीजिए, और अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों गेट डाटा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है और गेट डाटा के ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों जैसे आप गेट डाटा के ऊपर क्लिक कर यहाँ पे देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा ब्लर कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनको फर्स्ट किस्त मिल चुकी है, सेकंड मिल चुकी है, थर्ड मिल चुकी है, फोर्थ मिल चुकी है और फिफ्थ मिल चुकी है। अब दोस्तों जो सिक्स्थ किस्त आने वाली है वो यहाँ पे फिफ्थ के बगल में आ जाएगी। ऐसे दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपको मिली है कि नहीं मिली, इनको अभी तक नहीं मिली है तो जल्दी से जल्दी इनकी एक आध दिन में आ जाएगी। दोस्तों आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको अभी तक मिली है किस्त छठी किस्त की नहीं मिली। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा।